अब ये चालान ठोकेगा 1500 2000 3500 रुपए का, खूबसूरत सा चालान देगा, देखें क्या दे रहे हैं। क्या दिया? 5000। अस्सलाम वालेकुम पाक बिल्स, मेरा नाम है सुनील मंच और मैं पाक बिल्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगेन आजकल ये जो है ना हमारी टीम, इन्होंने कोशिश की भी है कि या तो मेरे गोडे खराब करेंगे या ये झटके दे दे के मरवाएंगे, तो ये सारी लो गाड़ियाँ ढूंढ रहे हैं और उनके साथ साथ रिव्यू चल रहे हैं। तो आज का जो रिव्यू है ये भी एक बहुत लोअर हुई हुई गाड़ी, बट अनयूजुअल ऐसी गाड़ी है, बिकॉज मैंने ख्याल है मैंने पहली गाड़ी देखी है जो कि इस गाड़ी को लोग इन्हें लोअर किया। तो मेरे साथ साथ मौजूद हैं, साथ क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक हैं। अच्छा, साथ अपनी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट बता दें लोगों के लिए। मेरी 2021 टोयोटा यारिस जीएलआई 1.3 ऑटोमेटिक है। अच्छा जी, और ये गाड़ी आपने 0 मीटर ली थी? मैंने थोड़ी सी यूज ली थी, ऑलमोस्ट 10K। और कब से आपके पास है? मेरे पास तकरीबन 1.5 साल हो गए। तो आपको पाकिस्तान की सड़कों से लगता है बहुत ज़्यादा प्यार है क्योंकि वहाँ पे भी झटके महसूस होते हैं, आपने कहा सीधी जो सड़क बन गई उस पर भी झटके फील करें। तो ये क्या पहले सोच के ली थी कि ये करना है प्रोजेक्ट, के आहिस्ता लेने के बाद आपने कहा चलो यार इसकी थोड़ी लुक चेंज करते हैं? एक्चुअली मेरा प्लान था कि कोई वो प्रोजेक्ट करूँ जो सबसे डिफरेंट हो, मतलब कि जो किसी ने ना किया हो। ठीक है, इसीलिए आपने कहा कि यारिस चूज करते, बिकॉज मेरा नहीं ख्याल कि मैंने किसी को भी इससे पहले यारिस को इस तरह तैयार कर दिया। सब यही कहते हैं कि यारिस मतलब इतनी प्यारी नहीं है और प्यारी बन नहीं सकती। ठीक है, तो मेरा प्लान था कि मैं इसको प्यारा बना के दिखाऊँ सबको, तो दैट्स व्हाई आई चूज यार। इतने चैलेंज लेने का शौक है तो मुझे प्यारा बना ये वैसे ही चैलेंज लिया आपने, मतलब सुनील साहब को प्यारा बना दें यार इसको। अच्छा खैर, नहीं मजाक कर रहे यार, यार अच्छी गाड़ी है। हमारे दफ्तर में फरहान साहब जो हैं, अगर उनसे नहीं बना के रखूंगा तो क्या होगा, तो उनके पास भी यार है। अब ये चालान ठोकेगा 1500 2000 3500 रुपए का, खूबसूरत सा चालान देगा, देखें क्या दे रहे हैं। क्या दिया? 5000। बड़े ने ज्यादा नहीं दे दिए? अच्छा चलो दो कट कर लेने। हाँ, अच्छी प्राइस चाहिए? हाँ भाई। तो अभी पार्क व्हील्स पे एड लगाओ और गाड़ी बेचो बेस्ट प्राइस पे। तो बात हो रही थी आपसे कि आपने गाड़ी ली, आपने कहा ये डिफरेंट गाड़ी जो है मैंने लेके तैयार करनी है ताकि जो सबने की हुई है वो गाड़ी ना हो मेरी। हाँ। अच्छा, तो यारिस का ख्याल दिन में फिर कैसे आया? और भी बड़ी सी डिफरेंट गाड़ी लोगों ने तैयार नहीं की हुई, तो यारिस ही की सोची थी? असल में ना मेरा बजट ऑलमोस्ट 35 से 40K के राउंड बोर्ड था, 40 लाख के राउंड बोर्ड था। तो उसमें फिर मुझे एक यारिस और एक सिटी का माइंड था। उस वक्त पे सिटी की बुकिंग बहुत लंबी थी और यारिस की भी लंबी थी, पर यारिस यूज में मुझे बड़ी अच्छी मिल रही थी, बड़ी अच्छी कंडीशन में ये वाली यारिस मिल रही थी। सही है, तो फिर मैंने ये परचेज कर ली थी। ठीक है, अच्छा जब आपने ली थी तो कितने की ली थी? मुझे तकरीबन 29.5 की पड़ी थी। 29.5 की ली? अच्छा जी, आपने ली, उसके बाद आपने इसका जो प्लान बनाया था वो देखें, वो करके जा रहे हैं लोग, आपके उसको एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा ये मुझे बताएं कि कैसे शुरू किया जर्नी, यानी आपने ये सोच लिया कि यूनिक गाड़ी लेनी है और उसको करना है? लुक ये पहले से जेन में सोची हुई थी, बिकॉज अगेन मैंने जब गाड़ी की तस्वीर देखी, मुझे बाली ने कहा यार रिव्यू करना है, तो मैंने कह रही है तो कमाल ही एफर्ट कर छोड़ी। और फिर अगेन आजकल को लगता है आप लोगों की जो पहलवानों का शहर है गुजरांवाला वाले, वो गड्डिया नु थल्ले उठाने तुरे हो रहे हैं। गुजरांवाला को एक्चुअली बहुत शौक है, गुजरांवाला की जो बच्चे हैं ना छोटे छोटे, वही शुरू से इस चीज को कर लेते हैं। अब तो हम तो जरा थोड़े से बड़े हुए हैं, समझ वगैरह आई है, फिर शुरू किया। हमारे से जो छोटी जनरेशन है वो 10-12 साल के होते हैं, घर से चाबी लेनी गाड़ी की, लो करनी, तो बस फिरते डरते रहना। नहीं वैसे मैं ये बड़ा बता दूं, क्लियर बात है कि मेरा मैसेज ये होगा कि अंडर एज ड्राइविंग बिल्कुल ना करें। ये शौक है अगर गाड़ी का तो अच्छी बात है, उसको बड़े भाई के साथ सब बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा आपने ये गाड़ी ले ली, फिर आपका पहला स्टेप क्या था? आपने पहले से सोचा था मैंने इसको लोअर करना है, किट लगानी है, कि बस जब ले ली उसके बाद ऐसे? नहीं, मेरा प्लान, मैंने ये प्रोजेक्ट कार के तौर पे ली ही प्रोजेक्ट। ठीक है, मेरा प्लान ये था कि इसको डिफरेंट बिल्ड करूंगा और मतलब बॉडी किट्स और ये वगैरह सारा कुछ इंस्टॉल करूंगा। फिर जब मैंने ले ली तो फिर मुझे एक दो किट्स मेरे माइंड में थी, मैंने पहले से ही गूगल करके ना तो सेव कर ली थी कि जब मैंने लेनी है तो ये वाली इंस्टॉल करवानी है। ठीक है, तो उनमें से ये जब मैंने फिट वगैरह चेक करने के लिए लगाई तो उसमें फिर मैंने, मुझे ये किट सबसे ज्यादा अच्छी लगी और अग्रेसिव लुक दे रही थी ये वाली किट, तो फिर मैंने फिर ये वाली किट फिर मैंने लगवा ली। ठीक है, ये वाली किट से मुराद ये बॉडी किट है? हाँ जी, बॉडी किट। ये इम्पोर्टेड है, पाकिस्तान बनी हुई है, फाइबर है, प्लास्टिक की है? प्लास्टिक की, पाकिस्तान बनी, पाकिस्तान में बनी है। ठीक है, किट लगाई, किट लगाने के बाद लोअर कब की? लोअर मैं एक्चुअली ना शोज वगैरह पे करता हूँ या कोई इवेंट वगैरह हो, वैसे व्हील गैप खत्म करके तो चलाता हूँ, क्योंकि डेली ड्रिवन पे ये लो नहीं चलती।
ठीक है, तो अभी आपने जो किया भाई अभी लोग खाली रिव्यू के लिए की हुई कि वैसे ही इसके ये नहीं एक्चुअली सियालकोट शो जो है क्या कहते संडे को, बस शो की प्रिपरेशंस में मैं लगा था तो मैंने फिर टाइम से लो कर ली थी। तो आपने टाइम से लो कर लिए, बाद जब गुजरांवाला से चला के आए तो ये सड़क पे तंग नहीं किया? सर सड़क पे तंग किया पर मतलब मैं ऑलमोस्ट 40-60 की स्पीड पे आया हूं। और आए जीटी रोड से ही मोटरवे से जीटी रोड, यानी कि आप जीटी रोड पे आए वहां तक काला शाह और काला शाह ठीक है। अच्छा ये उसको मतलब जो लोअर करने का खर्चा है वो कितना हुआ अंदाजा? लोरिंग्स लिए थे मैंने, लोरिंग्स ऑलमोस्ट 5K के राउंड बोर्ड पड़ते हैं और 1500 रुपया तकरीबन वो लेते हैं जो लोग करते हैं मैकेनिक्स वगैरह वर्कशॉप्स वगैरह वाले। और टायर कौन से लगाए? टायर मैंने इसमें जो है प्रोफाइल लो प्रोफाइल रखी हुई है, ठीक है, 195 40 17 और 17 इंच के रिम्स और टायर्स दोनों। अच्छा और इसके भी पिछले टायर वो जो है कैम्बर्ड है। ये सारी शौक है आजकल मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों में बहुत ज्यादा है, मैं तो यहाँ बहुत बुढ़ा हो गया हूँ लेकिन रिसेंटली काफी गाड़ियों के मैंने ये हालत देखी है। तो ये घर वाले बाकी दोस्त उस कहते नहीं क्या किया गाड़ी को? नहीं असल में ना जब हम कार वगैरह मॉडिफाई करते हैं ना फिर कम्युनिटी इस चीज की बन जाती है, मेजर दोस्त वगैरह भी इसी चीज से इसे बिलोंग करते हुए साथ अटैच होने लग जाते हैं। जो नए भी दोस्त होते हैं वो भी फिर जब गाड़ी वगैरह तैयार करते हैं तो जिनकी तैयार होती है वो भी फिर बातचीत करते हैं मशवरा करते हैं तो दोस्ती हो जाती है। ठीक है, तो एक्सटीरियर में आपने इसको कैम्बर कर दिया, आपने इसको ड्रॉप कर दिया, इसकी बॉडी किट लगा दी, व्हील लगा दी, और भी कोई चीज अपडेट किया? हेडलाइट्स चेंज कराई है, वो थाईलैंड से इम्पोर्ट कराई थी कराची में। अच्छा हेडलाइट्स में क्या फर्क है? हेडलाइट्स इसकी जो है इसमें प्रोजेक्टर्स हैं और उसके अलावा DRL है। ठीक है, हाँ क्योंकि 1.3 में DRL नहीं आता, 1.5 में DRL आता है। 1.5 में भी नहीं आता, इसमें DRL आते ही नहीं, वो लेदर नीचे आते हैं। हेडलाइट से महंगे DRL है इसके, पता है? हेडलाइट 30,000 रुपए की 78,000 रुपए का DRL है। हेडलाइट्स में DRL नहीं आते वैसे। हाँ जी आते लेदर। तो आप कितने हेडलाइट DRL वाले लगा दी? मैंने हेडलाइट्स DRL। ठीक है, और इंजन में कोई इंजन मेरा स्टॉक ही है। इंजन स्टॉक है। इंटीरियर में क्या क्या चेंज किया? तो मुझे ये नजर आ रहा है कार्बन फाइबर स्टिकरिंग हुई भी है, कार्बन फाइबर स्टिकरिंग है, गियर नॉब चेंज है, LCD राइट पैनल है और स्टीयरिंग पे भी कार्बन फाइबर वगैरह, पोशिश मैटिंग चेंज कराई है, वैसे इसमें पीच कलर में आती है, मैंने इसमें ब्लैक इंटीरियर किया सारा। ठीक है, तो अभी आपके पास ये गाड़ी तकरीबन एक साल से? तकरीबन एक साल से। और ये जो ड्रॉप करने के बाद कितना अर्सा हुआ, कितनी माइलेज चल गई? तकरीबन मैंने 20 किलोमीटर चला ली। 20 किलोमीटर ओनली? 20,000 किलोमीटर 20 किलोमीटर गुजरांवाला से लाहौर आए हैं तो 20 वो ये अंडर क्या हो गया, रेड रेड क्या गेम? ये रेड थोड़ा सा। अच्छा स्टाइल के लिए दिया? हाँ, चलो अंडर पास पे आते, चलो स्टाइल भी दे दें, रोशनी भी आ जाएगी, नजर भी आ जाएंगे। हाँ, अच्छा उसके अलावा इंटीरियर में ऐसा कोई चेंज नहीं है? हाँ जी इंटीरियर में ऐसा कोई चेंज नहीं है। अच्छा तो ऐसे ये गाड़ी की जो लुक्स है ये जिस तरह देखने में तो बहुत खूबसूरत लगती है, नो डाउट, जिसको स्टार्स कार बोलते हैं, स्टैटिक बोलते हैं, क्या अंग्रेजी बोलते हैं मुझे नहीं अंग्रेजी आती इतनी, लेकिन कभी आप जब चला रहे होते हैं तो उसकी जो कंफर्ट का जो इनकन्वीनियंस है, जैसे अभी हम उछल रहे हैं, कभी दिल नहीं किया इसको वापस नॉर्मल करूं? नहीं असल में ना ये तो ये जो वाइब्स स्टैटिक वाइब्स आती है ना ये हमें बड़ी पसंद है, ये कार का इसको जो जिन्होंने लो करनी होती है ना वो एक्चुअली इस चीज को बड़ा पॉइंट आउट करते हैं कि यार ये स्टैटिक है, लो की हुई हमने गाड़ी, तो ये जरा डिफरेंट वाइब देती है। एक टाइम पे आके बंदा थक जाता है, जरा दर्शन कमर में निकल आती है, पर थोड़े टाइम के लिए थोड़े अरसे के लिए बहुत अच्छी मतलब लगती है, हमें तो पसंद है जो कार का। नहीं बिल्कुल, ये हरकत जो मेरे हैमर की एयर सस्पेंशन खराब होती है ना तो यही कह रहा होता है, ऐसे लगता है कि हर झटके के ऊपर ना सड़क पे कोई झटका आ रहा है तो आपको ट्रिपल फील करा रहा है, तो मुझे बिल्कुल वही वाली फीलिंग याद आ रही है। और जब वो खराब होती है तो जेब पे इतनी महंगी पड़ रही होती है कि बड़ा इंसान को वैसे बुरा लगता है। लेकिन ये अगेन तो फिर ये गाड़ी 30-40 से ऊपर ही चलाते हैं? मैं मोटरवे पे आज 80 पे वैसे लेके गया हूँ, मैक्सिमम 40-50 की स्पीड पे चलाता हूँ। मोटरवे पे तो चले मेरा ख्याल है बम्प कम है तो उसपे तो नॉर्मल स्पीड पे चल सकती है, बट कैम्बर की वजह से उसके टायर खाए जाते होंगे? मैंने ऐसा जितना कैम्बर किया नहीं है जितना मतलब बाकी ने किया। हाँ, अभी गाड़ी का काम है, बाकी तो ऐसे लग रहा है गाड़ी की सिर्फ फिटमेंट को टक इन करने के लिए ना टायर को अंदर करके थोड़ा सा कैम्बर किया, बिल्कुल नॉर्मल सा माइनर सा, सही है, ताकि मेरी गाड़ी का फेंडर जो है वो टायर के साथ टच ना हो। और इसके अंदर आपने बताया कि कॉइल ओवर ले, राइट? हाँ जी। और इस पे कोई एयर सस्पेंशन लगाने का कोई प्लान है, आती है नहीं आती? इंशाल्लाह मेरी एयर सस्पेंशन 10th ऑफ नवंबर को आ रही है। वैसे मैंने अभी अपने इंस्टाग्राम पे सोशली रिवील नहीं किया, सबका यही था मेरा कि यार आप लोग आप एयर लगाओ। मैंने आज से तकरीबन 2 महीने पहले गुजरांवाला में अली रजा है एयर सस्पेंशन का जो काम करता है उससे इंपोर्ट करवा ली हुई है। अब वो मैक्सिमम 2 महीने का टाइम मांगता है कि आपको 2 महीने लगेंगे तकरीबन आपकी एयर पहुँचने में बाहर से। अच्छा, तो वो 10th of November को मेरी पहुँचनी है, तो फिर मेरी बैग्ड हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो ये तो हो गया गाड़ी के अंदर जो अपग्रेडेस थे और ये सारे थे। जनरली एक गाड़ी की जो मेंटेनेंस वगैरह है वो लोगों का एक ख्याल होता है, आप स्टूडेंट हैं क्या
कुछ करते हैं और हाँ जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंशाल्लाह एडमिशन ले रहा हूँ अभी रिसेंटली। अच्छा, तो स्टूडेंट के लिए तो होता है कि जी उनका कहीं गाड़ी ऐसी हो जो ट्रबल फ्री हो और मेंटेनेंस पे भी सस्ती हो, फ्यूल एवरेज भी अच्छी देती हो। हाँ, तो ये क्या फ्यूल एवरेज देती है? मेरी सिटी में जो है ये फ्यूल एवरेज देती है ऑलमोस्ट 12-13 और लॉन्ग पे 19 तक दे रही थी। ये सारा कुछ करने के बाद एक्चुअली स्पीड जो 20-60-70 पे आ रहा हूँ। ये तो फिर आप आज के जमाने में मेरा ख्याल है जितने भी लोग हैं सबको ये वाला गैंग ज्वाइन कर लेना चाहिए बिकॉज जो फ्यूल इतना महंगा हो चुका है। अगर क्या कहते हैं इसको एग्जॉस्ट देखे देखे जरा यारिस वाला। अच्छा यारिस के लिए वैसे यारिस के मुझे सबसे हमेशा ये था कि बहुत ऊंची ऊंची लगती है, तो मैंने जब इसका रिव्यू किया था मैंने कहा था अगर बॉडी किट लगा लें तो गाड़ी थोड़ी बेहतर लगना शुरू हो जाती है, तो इसलिए मेरा ख्याल है वो हसरत भरी निगाहों से आपकी गाड़ी देख के जा रहा है। अच्छा तो फ्यूल एवरेज तो यार फिर कमाल है। मैं तो कहता हूँ वही बात है कि मैं जब से फ्यूल महंगा हुआ मैं तो कोशिश करता हूँ गाड़ी का आरपीएम जो है ना 1.5-1 से ऊपर ना जाए। तो ऐसी फ्यूल एवरेज मिलती है जो मैं लोगों को बताता हूँ, लोग परेशान होते हैं। तो आपकी गाड़ी की भी फ्यूल एवरेज सुन के मैं तो बड़ा परेशान हूँ और मेरे ख्याल से उस लिहाज से बड़ी अच्छी है। कितने को लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि यार इस अभी अभी हम देख रहे थे कि लोग थम्स अप कर रहे हैं, और कितने कहते हैं कि यार ये क्या किया? जो क्या कहते हैं गुजरांवाला में ना हर एक ही अप्रिशिएट करता है। अब मैं यंगस्टर्स और क्या कहते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े भी कभी कभी अप्रिशिएट कर देते हैं। ज्यादातर बड़े कहते होंगे, हाँ ज्यादातर बड़े जो गुजरे होते हैं वो कोई कह रहा था यार आपका टायर खराब है, आपका लगता है शॉक लीक हो गया है हवा का, मैं टायर पे टायर। अब मैं आ रहा था आज गुजरांवाला से तो रास्ते में ना एक अंकल ने ऐसे इशारा किया, मैंने साइड पे रोकी, वो आगे कहते हैं बेटा आपका ना पिछला टायर खराब है तो आप काइंडली उसको देख लो, ये ना हो गया आपका टायर उतर जाए। है क्या? नहीं सर ठीक है। अच्छा वो जो पाकिस्तान में एक नेशनल नारा है ना कि स्टैंड ऊपर कर लो यहाँ बत्ती चल रही है, ये वो वाला नारा ना कैसे टायर खराब है उसको सही करा। अच्छा 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 नहीं सही हो गया। अच्छा कभी कोई ऐसी चीज जो भी आपके, एक तो आपने एयर सस्पेंशन बता दिया, आगे वाले प्रोजेक्ट के अंदर इसमें और कुछ ऐड करने का कुछ सोच रहे हैं? इंशाल्लाह रैप का प्लान है और इंजन की मेंटेनेंस पे भी जाने का प्लान है इसके बाद। मेंटेनेंस यानी रेगुलर मेंटेनेंस को उसको अपग्रेड भी करना है? अपग्रेड करने का। अपग्रेड में क्या करना चाहते हैं? ट्यून करने का प्लान है और इंजन ट्यून का मेजर फिलहाल प्लान है। अच्छा आपने इसमें क्रूज कंट्रोल लगाया? नहीं फिलहाल नहीं लगाया, मेरा प्लान है ऑटो शोरूम में मिलते हैं लग जाएगा। हमने साथ शेमलेस इंटीग्रेशन कर दी अपने ऑटो स्टोर की लेकिन पार्क भी ऑटो स्टोर में मिलता है और मेरे ख्याल से बड़ी इफेक्टिव चीज़ है, खासतौर पर अगर आपने हाईवे पे चलानी हो तो वो बड़ी बेहतरीन चीज़ है। अच्छा जी आप कोई चीज़ मिस करते हो इस गाड़ी में, या आपने ली हो या आपको लगता हो कि यार मैंने ये गलत गाड़ी ले ली, मैं फलानी लेता तो बड़ी अच्छी बनती, कभी को ऐसी चीज़ आई जिन? नहीं मुझे पर्सनली वैसे ये गाड़ी पसंद थी तो मैंने ली। वैसे ऐसे ये है कि अगर मेरा ये प्लान था कि मुझे अगर 1.3 की जगह 1.5 मिल जाती, एक पुश स्टार्ट और एक मल्टी मीडिया मुझे मिल जाना था, इस चीज़ को मैं मेजर जरा फील करता हूँ कि यार ये कमी है मेरी गाड़ी में। ठीक है, बट पुश स्टार्ट और मल्टी मीडिया मेरे ख्याल आप दोनों लगवा सकते हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं प्यार से चलाते हैं उसमें तो 1.3 इज गुड इनफ फॉर यू। हाँ जी 1.3 ठीक है, नॉट बैड। सही, और ये जो भी झटका भी इसने जो दिया ये हर झटके पे ऐसे करती है कि जब नॉर्मल, मतलब ये हर झटके पे जब जितना मतलब इस पे वजन होगा ना ज्यादा वेट ज्यादा उतना गाड़ी नीचे से ज्यादा लगेगी। सो ये बेसिकली एक रिव्यू था जिसमें हम लोगों ने आपको दिखाया कैसे एक नॉर्मल गाड़ी को पैशन के साथ आप थोड़ा डिफरेंट जो है बना सकते हैं। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि शायद जी बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए तो आपकी गाड़ी को थम्स अप मिलता है या लोग उसको नोटिस करते हैं, ऐसा नहीं है। शौक जो है वो जो है ना बेसिकली कॉमन इस तरह है कि अगर किसी के पास कोई भी गाड़ी है वो उसको बेहतर बना सकता है, डिफरेंट बना सकता है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदर्वा का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।